दोस्तों, आज हम वैदिक गणित में विषय लेकर आए हैं घनमूल। देखिए हम घनमूल को कितने बहुत सरल विधि से हल कर सकते हैं, ये देखेंगे। इसमें सबसे पहले इकाई तरफ से तीन का जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाने के बाद हम देख लेते हैं कि इसका अंक दो अंकों में उत्तर आएगा। तो सबसे पहले इसकी इकाई के अंक को देखते हैं। इकाई के अंक में आठ है, जिसका निकटतम घनमूल होता है दो। आठ के घनमूल क्या होगा? दो होगा। उसके बाद जो शेष बची हुई दूसरी जोड़ी है उसको देखेंगे, इसका निकटतम वर्गमूल होता है एक। इस प्रकार 1728 का घनमूल 12 प्राप्त हो जाता है। हमको अलग से गुणनखंड विधि से नहीं बनाना पड़ता। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो मालिक राव वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे अपने इष्ट मित्रों को भी, परिजनों को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।